हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और देखिए, अभी शाम का टाइम है, शाम के बज चुके हैं 7 और मैं आज बना रही हूँ अंगीठी पर खाना। ही देखिए, और आज है मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा और बारिश का मौसम हो रहा है। और आज मैंने बनाने हैं आलू की सब्ज़ी उबाल कर, आलू और आलू के पराठे। रात को बनाएंगे आलू के पराठे और सुबह के लिए बना कर रख देंगे सब्जी, क्योंकि सुबह सुबह फिर जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। और अंगीठी पे ये फायदा है कि एक ही बार में दोनों चीज़ें बन जाएंगी और बार बार गैस ज़्यादा यूज़ नहीं होगी मेरी, और साथ साथ हाथ भी सेकते रहेंगे और साथ के साथ हम खाना भी बना लेंगे यहाँ पर। और ये देखिए, अभी यहाँ पर मसाला भुन रहा है कढ़ाई में, प्याज लहसुन अदरक मैंने सब कुछ डाल दिया है और टमाटर भी काटने हैं और ये भी फिनिश करता है। हेलो भी बोल दिया कर कभी, और ये कभी भी हेलो नहीं बोलते मेरे व्यूअर्स को। और ये देखिए इधर, हेलो 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 बोलो, हेलो हेलो। अरे भैया कैसे, थैंक यू बोलो। अच्छा, और ये थैंक यू बोलती है, कैसे बोलते थैंक यू, कैसे बोलते थैंक यू, थैंक यू कैसे बोलते हो। ये देखिए, अब ये अपनी चेयर पर बैठ जाएगी ऐसे करके। ओए शेम शेम हो रही है आपकी, ऊपर करो पेंटिंग, चलो बैठ जाओ। और मैं इसका हैंकी इधर पीछे लगा कर रखती हूँ, क्योंकि आगे से ये पिन को ऐसे खींच लेती है एकदम से, इसलिए इसका हैंकी पीछे लगाना पड़ता है, क्योंकि बार बार इसकी नोजी आ जाती है ठंडी के कारण, इसको ठंडी में नोजी आ जाती है। और देखिए, एक कैप मैंने इसके पहले लगा रखी थी ये वाली, और अभी इसके पापा ने दूसरी कैप लगाई है इसको, और ये बिल्कुल भी कैप नहीं लगाती है बिल्कुल भी, सारा दिन। और इसमें है आग नहीं, और अभी मैंने इसके अंदर लकड़ी डाल दी है, अभी आग जल जाएगी, क्योंकि सूखी लकड़ी है तो जल्दी से जल जाती है लकड़ी है। और इधर देखिए कि बाबू हाथ सेकती है, हाथ सेकना बाबू, हाथ सेक लो, ये देखो ऐसे सेकता है ये छोटे छोटे से हाथ अपने। और शूज़ डाल रखे हैं देखो नव्या ने, नव्या शूज़ किसके हैं, शूज़ किसके हैं, ये किसके हैं, ये भाई। और ये बोलती है कि ये भाई के शूज़ है, क्योंकि ये काव्यांश के छोटे हैं शूज़, ये हो गए थे तो काव्यांश ने इसको दे दिए अब, और ये भाई के शूज़ है। और आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो चलिए गाइस फटाफट बना लेते हैं सब्ज़ी और फिर दिखाएंगे सब्ज़ी कैसी बनी है। और उसके बाद आलू का मसाला भी करना है मुझे, और इधर मैंने ये प्याज भी काट ली है आलू के पराठों में डालने के लिए, और धनिया काट कर अंदर धोकर रख दिया है, क्योंकि फिर उसके अंदर ना ज़्यादा पानी पानी हो जाता है, इसलिए मैंने धोकर पहले ही रख दिया है, ताकि मसाला आलू का ज़्यादा गीला ना हो और अच्छे से पराठे हमारे बन जाए। और अभी मुझे क्या करना है, हाँ आटा भी गूंदना है, अभी आटा भी गूंद के रख दूँगी, फिर दिखाएंगे आपको करारे करारे पराठे। और अंगीठी पर वाकई ही सही में इतना टेस्टी खाना बनता है ना, बहुत ज़्यादा बहुत टेस्टी खाना बनता है गैस के अकॉर्डिंग, और इतना अच्छा खाना बनता है, और धीमे धीमे आँच पर बनता है तो बहुत, और जल्दी भी बन जाता है, ये नहीं है कि जल्दी नहीं बनता। अभी मैंने आलू में सीटी लगवाती तो 4-5 सीटी लग गई, और आलू इसमें सिर्फ 2-3 भाप में, मतलब 2-3 लकड़ी लगाई उसमें ही आलू इसमें हो चुके हैं बॉयल, बहुत अच्छे से बन जाती है। और ये देखिए टोपे उतार उतार कर मुझे दे देती है बार बार। और अभी आप क्या खा रहे हो, ये देखिए ये खा रही है गज्जक, दिखाओ दिखाओ अपनी चिंजी, ओए देखो छोटी सी गज्जक खा रहा है ये बाबू, और गज्जक खा रही है। तो चलेगा इस आगे करते हैं अपना काम। ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल दी है नमक मिर्च हल्दी, और ये मसाला हमारा हो चुका है अच्छे से ब्राउन, और इसको ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें हल्दी नमक मिर्च ऐड करके पानी डाल दिया। अब इसको अच्छे से भुनने देंगे और फिर इसके अंदर डालेंगे हम आलू, फिर आलू डाल देंगे। इधर आटा भी गुन गया है और मसाला भी तैयार है, आलू को जो, और ये आ गया तवा, अब बनेंगे इसके ऊपर गर्मा गर्म पराठे। Thank you.
चुका है पराठा रेडी, डिनर की तैयारी और डिनर भी हो गया, अभी साफ आ रही है। ब्लैक ब्लैक आएगी बेटा, टॉर्च से सही आती। और यहाँ पर मम्मी ने मुझे बोल दिया कि टॉर्च जला ले। ये भी बताएगी ये लड़की। अरे जल क्यों रही, तेरे को आती नहीं जलानी इसलिए नहीं जल रही। देखिए यहाँ पर हो चुका है हमारा डिनर रेडी और अभी हमारी थाली बिल्कुल खाली पड़ी है। यहाँ पर पापा की थाली भी खाली है, मेरी थाली भी खाली है। यहाँ पर टेस्टी पराठा बन रहा है और यहाँ पर बनाने वाली बैठी है, मतलब मम्मी बैठी है बनाने के लिए। फट्टा ले लो, फट्टा ले लो। पे नहीं हो रहा, ये ऊंची है ना थोड़ी। पापा जी सब्जी लेनी है आलू की, लेनी सब्जी डाल के दिया डोंगे वाले चम्मच से ना, एक कटोरी में डाल ले। एक कटोरी में अभी आएगी हमारी पापा के लिए सब्जी। और सबसे पहले मेरे तो यही होता है कि मैं आलू निकाल निकाल के ना खा जाती हूँ, क्योंकि मुझे आलू बहुत पसंद है, इसलिए मैं आलू खा जाती हूँ। फिर मैं शुरू करती हूँ अपना पराठा। अभी हम जितनी बाइट खाने ना, और अभी बारिश भी बंद हो गई है। बंद कर दे, तू तो लगी जाती है। यहाँ पर देखिए हमारा सेकंड पराठा रेडी हो चुका है। हम दीदी और मेरा दिखा नहीं सकती क्या इस, अभी भी ये प्लेट हमारी खाली है, पापा की भरी, पापा की भरी हुई। बना दी तूने, शुरू कर दी, इधर दिखा दे। यहाँ पर पराठा भी रेडी हो गया, तुम्हें यहाँ पे धुंधली आती है पराठे करके दिखाया तो। अब सही आ रही, यहाँ पर पराठा रेडी हो गया। पता लग रहा आपका तो कभी की पाप मत बनाया करो, फिर आप कह रहे हो सही आती है। तू भी आलू ले जाओ, मलाई मलाई भी दो, भूख लग रही है। यहाँ पर हमारी मलाई भी आ चुकी है जो कि दीदी और मैं खाए, मम्मी हर रोज निकाल के रखती है। और यहाँ पर हमारा लोहा चला गया आग में, अरे मेरा हैमर था वो नहीं बोरा, मेरा हैमर दिखा, हैमर हैमर दिखा, बस बंद कर दे। तो देखिए दिस इज ये वाला बना देती हूं माय डिनर, या यम्मी यम्मी मलाई आलू का पराठा। सॉरी।